रेलवे की विंडो रिजर्वेशन के लिए अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खंडवा के केवलराम पर स्थित सकलेचा स्टेशनरी के सामने खंडवा रेलवे रिजर्वेशन सेंटर खुला है। यहां पर आकर आप विंडो रिजर्वेशन की सेवाएं ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मौके पर जाकर दुकान पर जाकर टिकट भी बनवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के अंतर्गत आने वाली देशगांव चौकी, जो इंदौर इच्छापुर हाईवे नेशनल हाईवे के रूप में जो बन रहा है, वहाँ पर रोशिया फाटे के पास एक ट्रक और बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार करण पिता सुरेश निवासी महू यूपी घायल हो गया। दरअसल ये कंपनी में काम कर रहा है, बाइक लेकर कहीं जा रहा था, इस दौरान ट्रक की चपेट में आ गया। बाइक ट्रक के अगले टायर के नीचे आ गई। गनीमत ये रही कि जो करण है वह बाइक से साइड में खिसक गया और उसकी जान बच गई, परंतु गंभीर रूप से वह घायल हो गया। घटना की जानकारी डायल 100 की टीम को दी गई। तत्काल देशगांव चौकी के अंतर्गत खड़ी रहने वाली डायल 100 की टीम के पायलट नरेंद्र तंवर और पुलिसकर्मी रोहित रघुवंशी मौके पर पहुंचे। डायल 100 में तत्काल उसे खंडवा जिला हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और ट्रक जब्त कर लिया गया है। इस मामले में अपराध दर्ज करने की बात पुलिस की टीम कह रही है। फिलहाल करण पिता सुरेश का इलाज खंडवा जिला अस्पताल में चल रहा है।